आप सभी मित्रों को नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम। दोस्तों, इस समय देश में चल क्या रहा है? कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिनसे कि हमें जानने पर यह मजबूर होना पड़ता है कि आखिरकार हमारे देश का भविष्य जाता कहां दिख रहा है। दोस्तों, यदि आप आजकल की जो घटनाक्रम हो रहे हैं उस पर ध्यान देते हो तो शायद कुछ व्यक्तियों ने ये जानकारी हासिल कर भी ली होगी, जानकारी मिल भी गई होगी। यदि नहीं मिली है तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। देखिए, अयोध्या में जो श्री रामचंद्र जी को अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ मानते हैं, जो श्री रामचंद्र जी का सम्मान करते हैं, जो श्री रामचंद्र जी के आदर्शों पर चलने का प्रयास करते हैं, उनको आदरणीय मानते हैं, तो वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाते हैं। अब जय श्री राम का नारा लगाना कोई देशद्रोही नहीं है, कोई देशद्रोह नहीं है। अपनी संस्कृति का, अपने महापुरुषों का सम्मान करना सभी का अधिकार है और सबको करना भी चाहिए। अब ऐसे ही नारे कुछ अलग हटके लखनऊ में लगाए जाते हैं। वहाँ पर क्या नारा लगाया जाता है? पाकिस्तान जिंदाबाद। ये नारे वहाँ पर लगाए जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। लेकिन कौन लगाता है? आप जानते भी हैं, कुछ मुसलमान इकट्ठा होते हैं, कुछ जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश से नफरत करते हैं, वो लोग इकट्ठा होते हैं और जय श्री राम के नारे के विरोध में पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। मतलब कहाँ तक ये द्वेष भावना भरी हुई है। अब आप खुद देखिए, इस समय ऐसे लोग, सबसे बड़ी समस्या क्या है इस समय, ऐसे लोगों को दंड क्या मिलेगा? खैर, पुलिस ने बहुत अच्छा कार्रवाई की कि वहाँ पर CCTV जो कैमरे हैं उनकी फुटेज ली जा रही है और FIR दर्ज कर ली गई है और पहचान कर ली गई है काफ़ी व्यक्तियों की, जिन जिन मुसलमानों ने वहाँ पर पाकिस्तान के नारे लगाए थे उनको पकड़ने की तरफ आगे वहाँ की लखनऊ पुलिस जो है काफ़ी अच्छा प्रयास कर रही है और इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद कहेंगे कि वाकई में पुलिस को काफ़ी तीव्रता से कार्य करना चाहिए ताकि कोई ऐसा दंगा फसाद ना हो, क्योंकि दंगों में सभी को मरना होता है, वो हानि सभी को उठानी पड़ती है। तो ऐसे असामाजिक तत्वों को पहले इनका विनाश कर दिया जाए तो बहुत ही बेहतर रहे। मैं तो यही चाहूँगा कि हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है ना, वो इतनी बेकार है, इतनी ज़्यादा चरमराई हुई है कि इस देश की कानून व्यवस्था किसी को भी जो गुनहगार है ना उसको दंड नहीं दे सकती। और देखिए, अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध घट नहीं रहे हैं। कहीं पर भी आप देख लीजिए, अपराध बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। घर के घर उजड़ रहे हैं, चरित्रहीनता के कारण घर के घर उजड़ रहे हैं। बहुत सारे आतंकवादी आते हैं, सब कुछ आते हैं, सबको पता है कि इन्होंने लोगों को मारा है, फिर भी हमारी कानून व्यवस्था के कारण वो लोग क्या तो बच जाते हैं, क्या तो उनके लिए रात को 12 बजे कोर्ट खुलवा दिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें हमारे देश का संविधान है उसको बदलना होगा, ऐसा मजबूत संविधान बनाना होगा जिससे कि जो अपराधी हैं वो थर थर कांपे, उनकी पिंडियाँ कांपनी चाहिए। ऐसा हमारा संविधान होगा तभी सभी इस देश में सुख शांति से जी सकेंगे। सभी को समान अधिकार इस हमारे देश में है नहीं किसी को भी। संविधान में भी जाति के अनुसार बांटा गया है लोगों को। तो दोस्तों, समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हैं, सभी को जागरूक करने का प्रयास कीजिए, सभी को समस्याएं बताइए कि ऐसी समस्या हैं और विरोध कीजिए। इलेक्शनों का टाइम आता है तो आप भी उसमें विरोध कीजिए, उस चीज़ का लिखवाइए, यहाँ तक नौबत आएगी कोर्ट के कागज़ स्टैम्प पेपर पर उनसे लिखवाइए कि आप जीतने के बाद में ये कार्य हमारे करके देंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, इसको शेयर जरूर कर देना। और आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम, जय आर्यावर्त।